हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के लिए अपना जो लेसन है नया लेसन स्टार्ट करेंगे अपन। लेसन का नाम है सॉल्यूशन, ठीक है, उसका पार्ट 1 स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहां से लेसन क्या है अपना, सॉल्यूशन हिंदी में बोलते हैं विलयन, क्या बोलते हैं विलयन बोलते हैं। अब देखो विलयन क्या होता है, विलयन की बात करते हैं। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी जो मिश्रण होता है, होमोजेनस जो मिश्रण होता है उसको अपन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी क्या बोला है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। और दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या बोला है, होमोजेनस, क्या बोला है, होमोजेनस जो मिश्रण होता है, जो मिक्सर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। विलयन के अंदर क्या है कि जो सब ये देखो क्या नाम है, समांगी मिश्रण नाम है, जिसमें क्या हो प्रॉपर्टी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, कैसी हो प्रॉपर्टी, कैसी हो यूनिफॉर्म हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। तो अब देखो ध्यान से किसकी बात करते हैं, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग में, समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग में जो रासायनिक संघटन होता है वो क्या होता है, समान होता है। कैसा होता है, प्रॉपर्टी हर जगह क्या मिलेगी आपको, समान मिलेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। जो विलयन है या फिर जो सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं बच्चों विलयन, और इसको बोला जाता है विलायक, क्या बोला जाता है, विलायक बोला जाता है, ठीक है। अब देखो पहले बात करते हैं विलयन क्या होता है, इसकी बात करते हैं, विलयन क्या होता है, जिसकी अमाउंट कम हो, जिसकी मात्रा क्या हो कम हो उसको अपन क्या बोलेंगे, कम मात्रा के अंदर हो उसको अपन क्या बोलेंगे, विलय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विलय बोला जाता है। विलायक की अगर बात करें, किसकी बात करें, विलायक की, ठीक है, सी है समोल अमाउंट हो गया, या फिर ऐसे हो सकती है समोलर अमाउंट, ठीक है। और ये कैसा हो गया, लार्जर अमाउंट, ऐसे हो सकते हैं, मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसकी मात्रा क्या हो, मात्रा ज्यादा हो उसको अपन क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया मात्रा के विषय से। उसके बाद करते हैं जो विलेय होता है वो कैसा होता है, घुलने वाला, घुलने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम बोलते हैं विलेय, क्या बोला जाता है, विलेय बोला जाता है। बात करते हैं विलायक की, इसकी बात करते हैं विलायक की बात करते हैं, सॉल्वेंट की बात करते हैं। विलायक क्या होता है बच्चों, जो घोलता है, जो घोलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, और जो घुलता है उसे विलेय बोलते हैं, बस ये बात ध्यान रखनी है। या फिर जो सॉल्वेंट है उसी से सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी निर्धारित होती है, ठीक है, भौतिक अवस्था किससे, विलायक से निर्धारित होती है। विलयन की भौतिक अवस्था किससे निर्धारित होती है, विलायक से निर्धारित होती है। अपन बोल सकते हैं कि विलायक उसको बोलेंगे जो सॉल्यूशन की फाइनली फिजिकल स्टेट ले ले, क्या ले ले, फिजिकल स्टेट ले ले, उसको अपन क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अब देखो जैसे अपन बात करते हैं 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन, किसका 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन, एथेनॉल का विलयन, ठीक है, इसका मतलब 20% इसमें क्या है, एथेनॉल है, और 80% क्या है इसके अंदर, जल है, क्या है, जल है, ठीक है। ज्यादा मात्रा के अंदर है वो क्या हो गया, विलायक हो गया, क्या हो गया, विलायक हो गया, और जो कम मात्रा के अंदर है वो क्या हो गया, विलेय हो गया, क्या हो गया, विलेय हो गया, ठीक है। ये तो विलेय और विलायक के बारे में बात हो गई। अब देखो यहां से क्या है,
आगे देखते हैं अपन विलयनों के प्रकार, क्या देखते हैं विलयनों के प्रकार किसके बेसिस पे, भौतिक अवस्था के आधार पे, किसके आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे विलयनों के प्रकार, ठीक है। मुख्यतः जो विलयन होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार से, तीन प्रकार से, कौन से, गैसीय है, ठीक है, द्रव और ठोस, ठीक है। उन्हीं को क्या है आपस में मिक्स करके अलग विलयन बना लेते हैं, वैसे नौ प्रकार के बन जाते हैं अपने पास, तीन प्रकार के होते हैं वैसे, कौन से, गैसीय विलयन, सेकंड द्रवीय और ठोस, एबी ठोस ही बोल सकते हैं, ठीक है। देखो यहां से इनमें बात करें अपन, अगला टॉपिक अपना क्या है, विलयनों के प्रकार, इसके विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑन बेसिस फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक अवस्था के बारे में कितने प्रकार बताए गए हैं, गैस, पहला तो गैस, ठीक है, पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गैसीय विलयन की बात करें, किसकी बात करें, गैसीय विलयन की बात करें तो वे विलयन यानी ऐसे विलयन जिनमें विलायक क्या हो, गैस हो, विलायक क्या हो, विलायक क्या हो, गैस हो, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट हो तो गैस क्या होगा, गैस होगा, और जो विलयन है, विलयन ठोस द्रव, ठोस द्रव और गैस में से हो सकता है, क्या बोला है, गैसीय विलयन के अंदर जो विलायक है वो क्या होगा, गैस होगी, और विलयन क्या है, ठोस द्रव गैस में से हो सकता है। अब देखो इनसे पहले देखो, गैस के अंदर ठोस बात करेंगे, गैस के अंदर द्रव की बात करेंगे, गैस के अंदर गैस की बात करेंगे, देखो तीन प्रकार के विलयन और बन गए हैं अपने पास, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है ऐसे, मतलब इससे तीन हो गए, गैस से तीन हो गए, फिर द्रव से हो जाएंगे तीन, और तीन के से हो जाएंगे ठोस से हो जाएंगे, इसका मतलब अपने पास दो प्रकार के विलयन बन गए, ठीक है, ध्यान में रखना है अपने को। तो पहले बात करते हैं अपन जिसके विलायक, विलायक क्या मिलेगा अपने को, गैस मिलेगा, और जो विलयन है वो गैस द्रव ठोस कोई सा हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, गैस के अंदर गैस का एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो दो गैसों का मिश्रण ले लो, जैसे O2 है N2 गैस का मिश्रण, O2 है N2 गैस का मिश्रण, ठीक है, मिक्सर बोल सकते हो, मिश्रण क्या है, किसके अंदर, गैस के अंदर गैस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सेकंड बात करते हैं किसका, गैस के अंदर अपन द्रव की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, द्रव की बात करते हैं, तो N2 के अंदर गैस के अंदर द्रव की बात हो गई, इसके अंदर क्या लिखोगे, ये इसका हो गया N2 में क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3, फिर बात करते हैं इसकी, गैस के अंदर ठोस की बात करते हैं, गैस के अंदर ठोस की बात करते हैं, तो इसके अंदर एग्जांपल लेंगे अपन N2 में कपूर, इसका क्या एग्जांपल लेंगे, N2 में कपूर, ये अपने पास इनके एग्जांपल होंगे, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, एक इसकी बात होगी, गैस विलयन की बात होगी, फिर बात करते हैं अपन द्रव विलयन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सेकंड पहला टाइप हो गया, सेकंड टाइप है अपने पास द्रव विलयन या फिर द्रवीय विलयन, द्रव क्या बोलते हैं, लिक्विड, तो इसका मतलब इसके अंदर जो विलायक होगा क्या है, जो विलायक होगा वो क्या होगा, द्रव होगा, और जो विलयन है वो कौन हो सकता है, गैस द्रव ठोस में से हो सकता है, मतलब इससे भी कितने प्रकार के, तीन प्रकार के विलयन बनेंगे, कितने प्रकार के विलयन बनेंगे, तीन प्रकार के विलयन बनेंगे, तो अब देखो यहां से पहले बात करते हैं, देखना यहां से द्रव, द्रव के अंदर गैस की बात करते हैं, द्रव के अंदर गैस की अगर बात करें क्या हो जाएगा, पानी तो द्रव हो गया, ठीक है, एच टू ओ टू, वो तो गैस हो गई ना, ये बात है, एच टू के अंदर ओ टू, फिर बात करते हैं द्रव के अंदर द्रव की बात करते हैं, जल के अंदर ले लेते हैं अपन, जल में एथेनॉल क्या लेते हैं, एथेनॉल मतलब एल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, द्रव में द्रव का एग्जांपल है, पानी में द्रव है, और एथेनॉल भी क्या है, द्रव है, फिर बात करते हैं द्रव के अंदर
ठोस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं द्रव के अंदर ठोस की बात करते हैं, तो पानी के अंदर अपन क्या ले लें, ग्लूकोज ले लें, पानी के अंदर ग्लूकोज, H2 में ग्लूकोज, ये इनके एग्जांपल हो गए, ठीक है। लास्ट अपने पास तीसरा टाइप है गैसीय, कौन सा है, गैसीय, ठीक है। गैसीय की तरह देखो ध्यान से, गैसीय नहीं सोडियम, सोडियम ठोस मीडियम, सॉलिड जो सॉल्यूशन होते हैं उसकी बात करते हैं, इसमें जो विलायक होगा, इसकी बात करते हैं जो विलायक होगा, विलायक क्या होगा, ठोस होगा, और जो विलयन है वो क्या है, ठोस मतलब गैस द्रव ठोस में से हो सकता है। इनके एग्जांपल याद रखना जरूरी है, पहले एग्जांपल बात करते हैं किसका, ठोस में गैस का एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, ठोस में गैस का एग्जांपल लेते हैं, तो देखो ध्यान से, पीडी में H2 इसका क्या एग्जांपल है, पीडी में क्या मीडियम में H2 पहला एग्जांपल ये हो गया। फिर बात करते हैं ठोस किसमें, द्रव के अंदर, मतलब विलायक क्या हो, ठोस हो, और विलेय क्या हो, द्रव हो, क्या हो, द्रव हो, तो अपन ये पढ़ते हैं एग्जांपल ये वाला, तो Na अम्लगम, इनका सोडियम और HCl का अम्लगम, ठीक है, ध्यान रखना ये धातु होती है और ये भी धातु होती है जो कि लिक्विड में होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं ठोस में, ठोस का, ठोस में ठोस का एग्जांपल की बात करें अगर अपन, तो अपन ले सकते हैं मिश्र धातुएं, क्या ले सकते हैं, मिश्र धातुएं, ठीक है, ये इनके क्या हो गए, एग्जांपल हो गए, विलयन के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अगला जो टॉपिक है वो है अपना विलयनों की सांद्रता, क्या है, विलयनों की सांद्रता की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो सांद्रता देखो ध्यान से, इसकी बात कर रहे हैं विलयनों की सांद्रता, विलयनों की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन। अब ये देखो विलयनों की सांद्रता की बात करें, अब अपने को क्या पढ़ना है, जैसे तुमने यंग क्लास में पढ़ा था ना सांद्रता के बारे में, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, मोल भिन्न, वो सारे के सारे यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। पहले बात करते हैं जो विलयनों की सांद्रता है वो होती क्या है, तो देखो ध्यान से, विलायक की निश्चित मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई, सुन लेना ध्यान से, इसके अंदर विलायक की, विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक में कौन घुलेगा, विलय घुलेगा, तो देखो ध्यान से, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा, घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है, बस ध्यान रखना है आपको, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की जो मात्रा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। अब देखो जो कंसंट्रेशन अपने पास जो क्रम है, ये जो सांद्रता की जो क्रम है, क्या लेते हैं, जो कंसंट्रेशन की जो क्रम है वो अपने दो प्रकार से है, पहला कौन सा, जो वॉल्यूम से रिलेटेड हो, ठीक है, सेकंड जो मास से रिलेटेड हो, आयतन से और ये द्रव्यमान से, दो प्रकार से इनको जो सांद्रता है वो दो प्रकार, कौन से, वॉल्यूम आयतन से संबंधित और क्या है, द्रव्यमान से संबंधित। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है आपको, यहां पे अपन ले सकते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और दूसरी जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, अपन ले सकते हैं, पहले लेते हैं अपन कौन से, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो देखो ध्यान से, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है जो कंसेंट्रेशन है वो कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बस ध्यान रख लेना, कौन से इसमें, टेम्परेचर पे तापमान पे निर्भर करती है और तापमान पे निर्भर
नहीं करती है वो देखो कौन से टर्म है अपने पास। नंबर वन v by v percentage, ठीक है। नंबर टू weight by weight percentage, ठीक है। थर्ड की बात करें मोलर का, मोलरिटी, ठीक है। फोर्थ की बात करें नॉर्मलिटी, क्या है नॉर्मलिटी। उसके बाद ये नहीं, सॉरी इसके अंदर ये नहीं, वेट बाई वॉल्यूम, ये यहाँ पे ऐसे ये वाला नहीं है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, मोलर का और नॉर्मल का, ये चार जो टर्म है इसमें डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती कौन सी जो सांद्रता है, कौन सी सांद्रता कंसंट्रेशन है डिपेंड नहीं करती, ठीक है। देखना ध्यान से, पहला तो हो गया वेट बाई वेट, सेकंड है मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, इसके बाद करते हैं मोल भिन्न, हो गया। फिर है अपने पास मोलरता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा मोलरता, मोलरिटी, ठीक है। लास्ट में ईपीएम या फिर पीपीबी, ये क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो कंसंट्रेशन है वो है। तो क्या किया है, दो प्रकार से हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया है। पहला हमने इसके अंदर ये लिखा है कि जो तापमान पे निर्भर करती है, सेकंड जो तापमान पे निर्भर नहीं करती। इसके अंदर वॉल्यूम आयतन बटा आयतन वेट, और ये क्या हो गया वॉल्यूम, मोलरता और नॉर्मलता, ठीक है। ये क्या है अपने पास जो कंसंट्रेशन की जो टर्म है, जो सांद्रता की जो टर्म है वो है। तो अब इनको वन बाय वन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इनसे न्यूमेरिकल, इस लेसन में से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो सांद्रता की जो इकाइयां हैं इनसे क्या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखो ध्यान से, नंबर वन बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, वेट बाई वेट परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखना। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मास ऑफ सॉलिड, या फिर ऐसे लिख लो विले का द्रव्यमान बटा, क्या बोला है वेट बाई वेट बोला है ना, मतलब दोनों का क्या आएगा वेट आएगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, सो ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, समझ रहे हैं आप, बस ध्यान ये रखना है। अब अपने पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है, जैसे अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल, अपने पास क्या दिया है न्यूमेरिकल, दिया है एग्जाम्पल की बात करते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। 10 ग्राम का फाइनेंशियल इजिप्ट, एनएसीएल इजिप्ट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, फाइंडिंग वेट बाय वेट, फाइंड द वेट बाय वेट इन डेंसिटी, ठीक है, मतलब बताया तो दिया है आपने, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कितना मिला है 1.2 ग्राम पर एमएल, ये दिया है। अब देखो ध्यान से, अपने को क्या क्या दिया गया है, अपने को निकालना क्या है, मास ऑफ सॉलिड अपने पास है, विलेय का द्रव्यमान अपने पास है,
क्या दिया है मतलब 10 ग्राम NaCl है वो 100 ml के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये अपने को याद करना है और अपने को घनत्व दिया गया है ठीक है एक चीज ध्यान रखना जो घनत्व है उसके बराबर फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन ठीक है मास बटा वॉल्यूम d is equal to mv बस ये ध्यान रखना है ये फार्मूला होता है यहां से अपन क्या निकालेंगे विलेय का द्रव्यमान तो हमारे पास ये रहा एन से लिया ना ठीक है हमारे पास क्या नहीं है विलेय का द्रव्यमान नहीं है यहां से निकाल रहे क्या करेंगे यहां से निकाल रहे अपने पास तो अब देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे अपन बात कर रहे हैं निकालेंगे कैसे ठीक है तो देखो ध्यान से यहां से क्या निकालना है ये निकालना है इसको यहां इधर भेज दो तो v इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास क्या निकालना है अपने को विलेय का द्रव्यमान निकालना है क्या निकालना है विलेय का द्रव्यमान ठीक है द्रव्यमान निकालना है मतलब m निकालना है हमें आयतन नहीं निकालना द्रव्यमान निकालना है m निकालना है तो क्या करो इसको v को इस साइड ले आओ क्या हो जाएगा d into v और ये m ये अपने को मिला है v मिला है 100 ml ठीक है और d अपने को मिला है 1/2 अपने को क्या करें 1.2 × 100 m अपने पास क्या आ गया m की वैल्यू आ गई बच्चों 120 कितनी आ गई 120 अब क्या करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं क्या करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो विलेय का द्रव्यमान कितना है बताओ 10 विलेय का द्रव्यमान अभी अपने निकाला 120 × 100 कट कर दो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है आंसर आ जाएगा निकाल लेंगे मान लेते हैं ये आंसर आ गया ठीक है ये तो कैलकुलेशन कर लेंगे अपन हो जाएगा आसानी से नेक्स्ट जो अपनी टर्म है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम v बाय v परसेंटेज वो देखो कैसे निकालते हैं सेकंड वाला सेकंड जो अपनी सांद्रता है वो क्या है सेकंड अपन बात करते हैं v बाय v परसेंटेज ठीक है मतलब दोनों क्या लेना है अपने को वॉल्यूम लेना है ठीक है तो क्या करना है देखो फॉर्मूला क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 विलेय का आयतन बटा में क्या होगा विलेय का आयतन इनटू 100 ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया ठीक है इसमें बेसिक न्यूमेरिकल मिलते हैं थर्ड अपने पास है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अपने को ये निकालना है ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होगा तो इसके अंदर देखो यहां पे वेट का मतलब क्या हो गया मास और यहां पे क्या लेना है अपने को वॉल्यूम लेना है यहां पे द्रव्यमान लेना है यहां पे आयतन लेना है क्या लेना है आयतन लेना है क्या हो जाएगा मास को सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम को सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू क्या हो जाएगा 100 ये फॉर्मूला हो गया इसका वेट बाय वॉल्यूम का हो गया न्यूमेरिकल लेंगे तो कर लेंगे नो आंसर उसके बाद है अपने पास नेक्स्ट आएगा टॉपिक मोल फ्रैक्शन क्या है मोल फ्रैक्शन इनसे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो करवा देंगे डोंट वरी अगला पॉइंट अपने पास मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न किसकी बात करते हैं मोल भिन्न की बात करते हैं तो ये देखो भाई इसमें से क्वेश्चन आ सकता है मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन कौन सा बन बोर मोल फ्रैक्शन क्या है पास मोल भिन्न इसकी बात कर रहे हैं मोल भिन्न की बात कर रहे हैं अब देखो मोल भिन्न कैसे निकालते हैं इसकी बात कर रहे हैं मोल भिन्न निकालते कैसे हैं तो देखना ध्यान से मोल भिन्न या फिर बोलते हैं मोल एस बोलते हैं ठीक है ऐसे कुछ बोलते हैं क्या होगा फॉर्मूला अवयव के मोल बटा में अवयव के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या ऐसे निकालते हैं जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं इसको अपने पास ये सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन दिया है इसके अंदर
दो पार्ट है, इसका x पार्ट है और ये y पार्ट है, ठीक है। जिसके अंदर इसका भाग मान लेते हैं एक, इसमें मान लेते हैं बच्चों तीन, कितना मान लेते हैं तीन मान लेते हैं। दो अपने पास कंपोनेंट है x और y, x और अवयव कितने हैं दो है अपने पास, ठीक है। अगर मैं x के मोल की या फिर मोल कैसे कहां से निकालू, इसका मोल फ्रैक्शन निकालू, तो क्या हुआ मोल फ्रैक्शन को x की बात करूं मैं तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल x लफ, तो कैसे निकलेगा मोल भिन्न की बात करूं या फिर मोल s अंश की बात करूं इज इक्वल टू कैसे आएगा x के मोलों की संख्या, x के मोलों की संख्या ये इसके क्या देते हैं मोल देते हैं, इसका वन इसका थ्री तीन बार देते हैं, एक्स के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या टोटल मोल, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स के मोल और किसके टोटल मोल, अब देखो एक्स के मोल कितने हैं एक है, सही है। कुल मोलों की संख्या कितनी है एक्स वाई दोनों भी लेंगे ना, कितना हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, कितना आएगा 1/4 आएगा, कितना आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्वेश्चन मिला है एक क्वेश्चन करते हैं बी का, इसका भी निकाल सकते हैं y का निकालें, तो y के मोल 3 कुल मोल ये 3/4 हो गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन है मोल भिन्न है, क्या ये मोल भिन्न है या फिर बोलते हैं मोल फ्रैक्शन है अपने पास, एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देखो ध्यान से मोल भिन्न का, जैसे अपने पास क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH में, 40 ग्राम NaOH में कितना 54 ग्राम वाटर, इसमें क्या है NaOH और वाटर के मोल भी निकाल, तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, NaOH के मोल निकाले, मोल कैसे निकालते हैं दिए गए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मैं यहां पे स्मॉल n से लिख देता हूं, इसको NaOH के मोल निकाल रहा हूं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ध्यान से मास कितना है 40, इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करें सोडियम का प्रवीण नंबर का डबल 23 प्लस इसका ऑक्सीजन का बात करें टोटल आ जाएगा मेरे पास 40, इसका आ गया 1, कितना आ गया 1, वाटर का निकाल रहा हूं 54 अपॉन इसका कितना हो गया देखो ध्यान से 16 16 18 इसका साइड आ गया 3, कितना आ गया 3 आ गया, ये क्या इसके मोल है। अब इसके इसके मोल निकालने हैं, NaOH के मोल निकालने, कैसे निकालेंगे इसके मोल बटे में कुल मोल 1 3 1/4 आ गया NaOH का, ठीक है। वाटर का निकालेंगे इसके 3 मोल है, क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 3 ऐसे होगा, तो क्या हो गया 3/4 वही आ गया अपने पास आंसर, वो ही आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये क्या है मोल भिन्न, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे और अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थैंक्स।